हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन ग्लोरी पर। दो दोस्तों, आज हम कर रहे हैं गन्ने की बुवाई। जी हाँ, ग्रो बैग में गन्ना बोएंगे आज हम, और आपको दिखाएंगे कि किस किस प्रकार से गन्ना बोया जाता है और गन्ने की खेती कैसे की जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये गन्ने पड़े हैं मेरे सामने। इसी गन्ने से हमें बीज निकालना होता है, गन्ने का बीज। हाँ जी सर, देखिए ये जो गन्ना दिख रहा है ना, इसका जो बीज का जो गांठ वाला पोर्शन होता है ना, ये वाला गांठ वाला पोर्शन, ये वाला, यही गन्ने का बीज है, जिसमें एक आँख होती है। आपको दिख रहा है ना ये वाली, ये दिख रहा है आपको, ये गन्ने की आँख बोली जाती है। और यहीं से अंकुरण होता है, यहीं से गन्ना उगता है, नया प्लांट जो निकलता है इसी आँख से निकलता है। तो हमें पूरे गन्ने को इसे बीज निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इस आँख से राइट साइड में 2 इंची, इसी आँख से लेफ्ट साइड में 2 इंची, इतना हिस्सा को हमें गन्ने से निकालना है। यानी काट के इस बीच में पूरे गन्ने से 2 इंच इधर 2 इंच इधर के बीच के हिस्से को गांठ समेत हमको निकालना है, आँख जिसमें आँख पूरी तरह से सुरक्षित निकलनी चाहिए। और दोस्तों, ऐसे करके मैंने ये कुछ बीज निकाला है, आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये गन्ने का बीज निकाल लिया मैंने, आपको देख रहे होंगे। जैसे बीच में 2 इंची इधर 2 इंची काट के बीच वाला आँख का पोर्शन निकाल लिया हमने, ऐसे इसमें देखिए आप, 2 इंच इधर 2 इंच उधर काट के आँख का पोर्शन निकाला है, ऐसे ही इसमें। और दोस्तों, हमने इसे एक फंगीसाइड साफ से संशोधित कर लिया है, ताकि इसमें कोई फंगस लगने का कोई डर ना हो। तो ये तो हमें ये करना होता है, बीज निकालना, गन्ने का बीज सावधानी से निकालना। और दोस्तों, आप डायरेक्ट इस हिसाब से भी आप बीज को बो सकते हैं, लेकिन सही तरीका इसका बीज बोने का ये ही है। इतना बड़ा पोर्शन हमें लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आँख वाला पोर्शन लेना है, 2 इंच इधर 2 इंच उधर, और बीच का आँख का पोर्शन हमको लेना है। तो दोस्तों, ये तो रहा बीज निकालना और उसको शोधित करना। बीज निकाल के उसको शोधित करना बहुत ज़रूरी है, नहीं फंगस लगने का डर होता है। अब रहेगा मीडिया, हमें इसे बोना कैसे है, बोने दोस्तों ये देखिए, क्योंकि हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं, तो हम ग्रो बैग या अपने पॉट्स में, हम जितनी गार्डनिंग करते हैं ग्रो बैग या पॉट में करते हैं, तो हम भी इसी ग्रो बैग में बोएंगे। लेकिन दोस्तों, भी इनिशियली है ये, इस जो हमने ये 12 इंची ग्रो बैग लिए हैं, इसमें सिर्फ पौधा उगाने के लिए लिए हैं। जब पौधा उग जाएगा, पौधा बन जाएगा, तो इसे हम बड़े ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट करेंगे। तो दोस्तों, लेने के लिए इसका मीडियम हमने जो लिया है, लगभग आधा आधा ग्रो बैग हमने लिया है, इसमें गार्डन सोइल, गार्डन मिट्टी ले ली है, आधा आधा ग्रो बैग, आधा ग्रो बैग लगा के अच्छे से इसको हमने दबा लिया है और इसके एयर पॉकेट निकाल दिए। अब इसमें दूसरा क्या मिलाना है हमें दोस्तों, देखिए दूसरा इसमें ये है, देखो ये गोबर की खाद है और ये है पत्तियों की खाद, ये बराबर मात्रा हमने ले ली है। अब इसको मिला लेंगे अच्छे से, ये इसको हम मिला लेंगे बढ़िया से। दोस्तों, मिला के मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, हमने ये पत्तियों खाद और गोबर खाद को हमने आपस में मिला लिया अच्छे से। अब इसमें क्या करना है, लगभग 1-1.5 इंची की इसमें लेयर लगानी है इसी की, ये खाद की। इसको खाद को लेके हमें 1 से 1.5 से 2 इंच की लेयर लगा लीजिए इसमें, ऐसे करके। तो ये सभी ग्रो भरने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, हमने चारों ग्रो बैग आपस में पूरे भर लिए हैं, ये हमने खाद रख दिया है इसमें 2-2 इंची लेयर, ये देसी खाद, गोबर खाद और पत्तियों खाद की हमने लेयर इसमें चारों ग्रो बैग में भर लिया है। अब इसमें और क्या लगाना है, दूसरा अगला स्टेप है दोस्तों, ये वाला खाद। इस खाद के लिया हमने केमिकल खाद है, इसमें लिया है हमने DAP एक हिस्सा लिया है, पोटास और एक हिस्सा लगाया इसमें यूरिया। दोस्तों, गन्ने की खेती के लिए
उगाने के लिए इनिशियल स्टेज में यूरिया यानी नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए ये यूरिया, डीएपी और पोटेशियम डालने के लिए को मिला के आपस में मिला लेंगे हम। मिलाने के बाद अब सभी ग्रोह में थोड़ा थोड़ा छिड़क देंगे ऐसे करके। तो हमने ये मिला दिया है, अब लगाना हमें, अब बुना है गन्ना। गन्ना कैसे बुना है कि जैसे दोस्तों जैसे ये देखो ऐसे करके तीन तीन पीस रख दीजिए, है ना। मैं बो के दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों देखा आपने, हमने ये सभी गन्ने बो दिए हैं, देखिए आप इस प्रकार से हमने बोया है। अब इसमें हमें डालना है एक मिट्टी की लेयर, देखिए ये मिट्टी ले रहा हूँ गार्डन मिट्टी, और इसमें हमें एक मिट्टी की लेयर चढ़ा देनी है। दोस्तों मिट्टी की लेयर चढ़ा के मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, मैंने सभी जो बीज लगाने के बाद उसमें सब गार्डन मिट्टी से ढक दिया है, लगभग 2.5 से 3 इंची इसमें मिट्टी मैंने इसे ढक दिया है। अब इसमें टाइम है पानी देने का, अब इसमें पानी दे सकते हैं, इस करके पानी दे दीजिए और इसे लगभग, क्योंकि अभी ये ठंडी का मौसम है थोड़ा सा, तो इसे अभी कुछ दिन के लिए सेडिंग एरिया में रखना पड़ेगा। डायरेक्ट हम इसे ठंडी में नहीं रख सकते, नहीं तो बीज निकलना मुश्किल हो जाएगा। और दोस्तों ये जो इसका जो सीज़न होता है गन्ना लगवाने का, ये जनवरी लास्ट और फरवरी, पूरा फरवरी, इसमें आपको बोना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इससे ज़्यादा टाइम लिया, अगर फरवरी के बाद बोएंगे तो गन्ना निकलना मुश्किल हो जाएगा, बीज उगना मुश्किल हो जाएगा, और अगर जनवरी की स्टार्टिंग बोएंगे तो भी गन्ने का बीज निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है, इसे जनवरी लास्ट या फरवरी पूरे में कभी बो दीजिए, या इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों इसका जब इसका अंकुरित निकल आएगा तो मैं आपको इसकी अपडेट दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे लाइक कीजिए।